मेरी बात सुनो कि तुम ना काउंटिंग करो वो कहां तुमने छोड़ा था 32 33 34 ये अपने आप में कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं मुनिवर चंदन जी सच कहें तो आपकी महक जब हमारे महल में पहली बार आई तो हम बहुत क्रोधित हुए हम नहीं चाहते थे कि आप हमारे महल के भीतर प्रवेश करें परंतु ध्रुव और ढोली के विवाह को अपना आशीर्वाद देकर आपने हमारी साख को और महका दिया और इस विवाह के संपन्न होते ही विनम्र भाव से धन्यवाद हेतु हम देवगढ़ के राजगुरु के ओहदे की प्रस्तावना आपको देना चाहते हैं हमारे देवगढ़ को आप जैसे बुद्धिमान महापुरुष की आवश्यकता है स्वीकार करें फिफ्टी फाइव ये दोनों कहीं बुदबुदा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिजली की योजना का कोई हिस्सा है या कोई संकेत है अब आप अग्नि में घी की आहुति प्रदान कीजिए आपको जो निर्देश दिया था आपने उसका पालन नहीं किया सॉरी यहाँ पर आपको अग्नि में घी की आहुति प्रदान करनी है कृपा करके आप अग्नि में घी की आहुति प्रदान कीजिए हुकुम आपका स्वास्थ्य ठीक प्रतीत नहीं हो रहा कोई परेशानी है हम ठीक हैं मणिवर चंदन जी बस किसी भी तरह शीघ्र अति शीघ्र यह विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद हम राजवैद्य जी से कहेंगे कि हमारी जांच कर लें। ऐसा अचानक कई हो गया है बना को कि स्वास्थ्य खराब हो गया पंडित जी गंधर्व विवाह समझ के शीघ्र ही इस विवाह को संपन्न किया जाए फेरे और फिर सिंदूर और विवाह संपन्न वर वधु वर माला के लिए खड़े हो जाइए काउंटिंग करो ना काउंटिंग करो अरे क्या काउंटिंग यार मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हारी क्वीन एक तो कुछ कर नहीं रही है देखो पीछे बैठे बैठे बस टाइम पास ही कर रही है वो क्या करें हम तुम बस काउंटिंग करो कहाँ पे थी तुम कहाँ पे थी तुम 75 हाँ वेरी गुड सॉरी भरोसा रखो काउंटिंग करते रहो बस तुम 73 74 75 76 79.5 बिजली का करा धरा है तो कोनी है ये ए इन्हें चक्कर आ रहे जल लाइए शीघ्र अति शीघ्र भाई साहब उठिए
रखा पड़ा, टूटा पड़ा, टूटा पड़ा। इन्हें वैद्य छाला लेकर चलिए। राज वैद्य को बुलाइए, शीघ्र आती शीघ्र। इवन, बेटी जो रुको रुको, अरे डॉनी रुक जाओ और काउंटिंग स्टॉप, अरे हुकुम गिर गए, स्टॉप स्टॉप काउंटिंग स्टॉप। अब देखना ये राजा बाबू को जोर का झटका कैसे जोर से लगता है। पर मारी एक शर्त है। कई शर्त है? कि डोली और ध्रुव का विवाह कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। ऐसा है बाबू साहब, हमारे को लगता है पहले हमारा राज अभिषेक होना चाहिए, फिर होते रहेगा ना विवाह। आई समझ? बोलो मंजूर है। स्वीकार है, स्वीकार है। हाथ तो आया पर मुंह कोना न खा। बार बार अपने साथ ये नहीं होने दे सकते। ना ढोली ध्रुव का विवाह रुकेगा और ना तुम इस सिंहासन पे बैठोगी। राजवैद्य जी, आप कुछ भी करिए, हमारे भाई साहब को इसी क्षण होश में लाइए, वरना मारी तलवार होगी और आपकी गर्दन। पंडित जी, कुछ क्षण के लिए ध्रुव और डोली की विवाह को अल्प विराम करना होगा। हम अनुरोध करते हैं कि आप पहले बिजली के राज्याभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कर दीजिए। बाबू साहब, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, पर हमें हुकुम जी का आदेश है इस विवाह को अति शीघ्र संपन्न किया जाए, और जब तक राजा स्वयं अपने आदेश को रद्द नहीं करते हम इस विवाह को बीच में रोक नहीं सकते। बाबू साहब, आज तक के इतिहास में इस देवगढ़ में कोई स्त्री इस सिंहासन पर विराजमान नहीं हुई है, और हुकुम जी की पत्नी का राज्याभिषेक करके हम इस राजपाट में शांति का संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। अन्याय है, अधर्म है। राज अभिषेक होना जरूरी है, तभी तो मैं ध्रुव डोली का विवाह रद्द करने का आदेश पारित कर पाऊंगी। पंडित जी मेरी बात सुन, आपको पता है लड़कियां पता कहां कहां तक पहुंच गई, अंतरिक्ष में पहुंच गई है लड़कियां। तो लड़कियां तो घर, दफ्तर, अस्पताल, गाड़ी, रॉकेट सब चला सकती हैं लड़कियां। प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है तो राज्य क्यों नहीं चला सकती? ये दोनों कभी कभी कौन सी भाषा में बात करते हैं हमें समझ नहीं आता। राजा शब्द ही पुलिंग है, और कोई स्त्री किसी भी कीमत में राजा नहीं बन सकती है। भाई साहब उठिए, भाई साहब उठिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। भाई साहब उठिए, भाई साहब। अगर पंडित जी राज्य अभिषेक नहीं करवाएंगे तो कौन कराएगा? मारे प्रताप बना के जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि राज सिंहासन पर कोई बैठे। हम देवगढ़ की राजमाता है, यदि आप राज अभिषेक को नहीं करेंगे पंडित जी, तो हम करेंगे राज अभिषेक। भाई साहब उठिए, भाई साहब, सत्ता और सिंहासन दोनों हाथ से निकल जाएंगे, उठे जाइए। आपको हमारे साथ चलना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। इसी क्षण उठिए। चलिए भाई साहब।
देवगढ़ के राज सिंहासन पर विराजिए। जी बाबूसा। वर वधु आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ढोली का विवाह अभी इसी क्षण रद्द करवाया जाए। ओ बेटा जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।